चलो। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, ठीक है। चलो शुरू करें फिर लेक्चर आज का। चलो फिर तो क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड के पैरामीटर्स हमने शुरू किया था टॉपिक की। बॉन्ड्स के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं कि बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, ऐसे कुछ उसके पैरामीटर्स है। उसमें से हमने क्या देखा था? बॉन्ड लेंथ। हम पढ़ रहे हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड लेंथ देख लिया था कि दो तरह के बॉन्ड लेंथ होती है, एक कोर लेंथ था, एक वांडरवाल्स बॉन्ड लेंथ था। ठीक है, कोर लेंथ में क्या था? कोर का डिस्टेंस देख लेते हैं, यानी कि आपकी जो आउटर मोस्ट और शेल है जो इनकम्प्लीट है उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे थे, जबकि वांडरवाल्स में क्या होगा? कोर के साथ साथ आपकी आउटर शेल जो कि इनकम्प्लीट है या वैकेंट है वो भी कंसिडर होगी। ठीक है, चलो तो वो हो गया। आगे अच्छे से बॉन्ड लेंथ किसको बोलते हैं? तो दूसरा पैरामीटर हमारे पास आता है विच इज बॉन्ड एंगल। तो बच्चों बॉन्ड एंगल किसको बोलेंगे? एंगल का मतलब क्या होगा? किसी के बीच का एंगल जो आप डिग्री में दिखाते हो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब क्या हुए आपके एंगल। तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? बॉन्ड एंगल क्या होगा? तो आपके मॉलिक्यूल में जो एटम्स जुड़े हुए हैं, ए और बी एटम जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों के जो ऑर्बिट आपके, जो दोनों ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, इसके जिस ऑर्बिट के और इसके जिस ऑर्बिट के एटम्स शेयर हो रहे हैं वो दोनों ऑर्बिट के बीच का एंगल, उस एंगल को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंगल। फिर से, जो दो एटम्स बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्ड में उसकी जिस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे हैं, उन दोनों ऑर्बिट के बीच का एंगल, उसको क्या बोलोगे बच्चों? बॉन्ड एंगल। समझ में आ गया? अभी आप पूछोगे मैडम ये तो ऐसा होता है, ये इधर उधर टच करे, इसके बीच कहाँ ही एंगल होगा? एक चीज याद रखो, ये हमने अपनी कन्वीनियंट के लिए, क्योंकि बिना देखे आपको कुछ, आपको क्या, मुझे नहीं, दुनिया में किसी को भी, किसी भी चीज को एक शेप दिए बिना उसको इमेजिन करना इम्पॉसिबल है। आपको कोई बोलेगा आंख बंद करो, अभी हवा को इमेजिन करो, हवा को कैसे इमेजिन करोगे? लेकिन किसी ने बोला आंख बंद करो, अभी पानी को इमेजिन करो, तुरंत पानी दिखेगा। आंख बंद करो, बर्फ को इमेजिन करो, आंख बंद करो, आइसक्रीम को इमेजिन करो, तुरंत करोगे। लेकिन किसी ने बोला आंख बंद करो और हवा को इमेजिन करो तो नहीं होगा, है ना? हमको तो यहाँ तक भगवान को भी याद करने के लिए क्या करना पड़ा है? उनको एक चेहरा देना पड़ा है ना? चलो हमें फिलोसॉफी में नहीं घुसना है, यानी किसी भी चीज को समझने के लिए हमको उसे कोई ना कोई एक पर्टिकुलर उसका आकार देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसलिए हमने ये दिया है। एक्चुअली बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड पैरामीटर, ये जैसे हम बॉन्ड में नहीं ऐसे बना लिया तो वहां पे दोनों के बीच में कोई ऐसे लाइन थोड़ी होगी। मैंने अगर एच बॉन्ड पे एच बता दिया तो हकीकत में अगर यहाँ पे सपोज एच टू मॉलिक्यूल है, मैंने यहाँ पे समझ, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे सपोज है हवा में हाइड्रोजन, तो वो तो नहीं, यहाँ पे एक एच होगा बीच में लाइन और यहाँ पे एच, दोनों ऐसे हाथ पकड़ के घूम रहे होंगे, नहीं ना? शायद हंसते रहोगे हमारे ऊपर कि ये क्या दिखा रहे हैं, हम तो कभी ऐसे होते ही नहीं है। ये तो हम सिर्फ दिखाते हैं ताकि आप इजीली समझ पाओ, हम आपको आपको इजीली समझा पाए, समझ रहे हो? एक्चुअली जो ये सारी चीजें मेजर होती है वो तो कैसे होती है, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि आपके जो माइक्रोस्कोपी, एक्सरे, डिफ्रेक्शन, इन सारी चीजों में मेजर होती है, तो उसमें तो ये बहुत अलग दिखता है। ठीक है, तो क्या होगा? आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जिन दो एटम्स के इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स मिलके बॉन्डिंग बना रहे हैं। वो दो इलेक्ट्रॉन जिस शेल में है, जिस ऑर्बिट में है, ठीक है, उन दोनों जो ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल, दोनों ऑर्बिटल्स बोल रही हूँ मैं, एन नहीं बोल रही हूँ, ऑर्बिटल बोल रही हूँ, उन दोनों ऑर्बिटल के बीच का एंगल उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल किसके लिए जरूरी है बच्चों? तो बॉन्ड एंगल से स्टेबिलिटी का तो पता नहीं चलेगा, बॉन्ड लेंथ से स्टेबिलिटी का पता चल रहा था। ठीक है, एंगल का बड़ा कोई रूल है कि 180 डिग्री होगा तो ज्यादा स्टेबल, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल स्टेबिलिटी के लिए काम में नहीं आता है। बॉन्ड एंगल किसके लिए काम में आता है? टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। किसके लिए काम आता है? टू डिटरमाइन द शेप ऑफ योर मॉलिक्यूल। ठीक है, कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होगा। सपोज H2O आप लिखते हैं सिर्फ, लेकिन एक्चुअल में इसका जो सेंट्रल एटम है ऑक्सीजन, उसके साथ दोनों H मतलब कि, तो एंगल ऐसे होगा, एंगल HOH जैसा ट्राइंगल में दिखाते हैं, ये भी C हो गया, ये भी D भी है, तो एंगल ABC is equal to 90, वैसे एंगल HOH is equal to कितना है? 10.5 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि ये लीनियर नहीं है भैया, ये इस तरह का शेप है, समझ में आया? लीनियर होगा तो कितना होना चाहिए? 180 डिग्री है ना। तो शेप कैसे, ये आपकी टेक्सटबुक में एक एग्जांपल दिया है, थोड़ा और देखते हैं। ठीक है, सपोज CH2 हम बनाते हैं इस तरह से, चार तरफ हाइड्रोजन है ना, CH4, तो इन सबके बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री चारों के बीच का है ना, क्योंकि इस तरह से शेप कर रहे हैं, 90 डिग्री होना चाहिए। लेकिन होता कैसे है? तो इसमें HCH यानी एंगल HCH कितना होता है? 109.5 डिग्री। कितना होता है? 109.5 डिग्री, यानी कि कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, ये बाहर, ये जो है वो अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, ये दोनों साइड में है, मतलब एंगल कितना हो रहा है? 109.5। समझ रहे हो? तो आपका इसका शेप हमें पता चल गया इससे कि भैया 90 डिग्री नहीं है। तो हमें थोड़ा बहुत क्या आ जाता है, पूरा शेप पता नहीं चलता है, लेकिन थोड़ा जब शेप जानना है तो उसमें सब कुछ वर्क करता है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, अट्रैक्शन, पैरेलल पोजीशन, सब कुछ। ठीक है, लेकिन बॉन्ड एंगल से आपको ज्यादा तो शेप का ख्याल आ जाता है कि ये लीनियर होगा, ट्राइंगुलर होगा, स्क्वायर जैसा होगा, कैसा होगा, समझ में आ गया? ठीक है, बॉन्ड एंगल जरूरी होता है शेप डिटरमाइन करने के लिए। उसके बाद हमारे पास दूसरा पैरामीटर है बॉन्ड एंगल के बाद, व्हिच इज बॉन्ड एंथैल्पी। लिख लिया था वरना थोड़ा सा 10-20 सेकंड पीछे जाके पोज करके लिख लो। तीसरा आ गया हमारे पास बॉन्ड एंथैल्पी। Now what is bond enthalpy? Bond enthalpy किसको बोलते हैं? तो आपकी bond enthalpy मतलब formation नहीं, हम सोचेंगे bond enthalpy मतलब जब bond बनेगा तो जितनी energy जो release हो रही है bond बनने से, वो जो energy हुई वो by bond enthalpy, लेकिन नहीं। bond enthalpy का मतलब ये होता है कि आपके जो दो atoms गैसियस फॉर्म में मिलके, गैसियस फॉर्म में है, ठीक है, उन्होंने मिलके क्या बनाया, आपका मॉलिक्यूल बनाया, तो उन दोनों मॉलिक्यूल, उन दोनों एटम्स के बीच का बॉन्ड तोड़ के वापस उनको उसके गैसियस स्टेट में भेजने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उसको क्या बोलोगे? बॉन्ड एंथैल्पी। इसको बोलोगे तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड
break one mole of molecule. Okay, इसको क्या बोलोगे? आगे लिखना कैसे लिख सकते हो? Into particular gaseous atoms. यानी सपोज H2 है, H1 है, इसको तोड़ के gaseous H और दूसरा gaseous H2. ठीक है, वन मोल मतलब आपको एक ही मोल लेना है. मोल यहाँ पे आप आगे दिखाते हो, वन मोल H2, टू मोल H2, थ्री मोल H2, आपको वन मोल की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, कि अमाउंट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी किसको बोलते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जो एनर्जी जरूरी होती है वो जो मोलेक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ के दोनों जो एटम्स है उसको वापस उसके पर्टिकुलर गैसियस फॉर्म में भेजने के लिए जितनी एनर्जी जरूरी होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है, अब एक चीज समझो, मैंने क्या कहा था, जितना बॉन्ड एंगल कम, जितनी बॉन्ड लेंथ कम, उतना क्या होगा? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड या स्ट्रॉन्गर मॉलिक्यूल. तो जितनी बॉन्ड लेंथ जिसकी कम होगी उसको तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी. ठीक है, लेकिन इसके रिलेटेड क्या होती है कि उसके वो आपके फिर जो आपका पीरियोडिक टेबल है वहां पे वो कहां पे आता है वो सब दूसरे फैक्टर्स पे उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन है वो सब भी. ठीक है, लेकिन बॉन्ड एंथैल्पी जो है उसका एक प्रॉपर रिलेशन है इसके साथ दूसरे किसी भी पैरामीटर के अलावा, कि जितनी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, जितनी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. क्योंकि अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपको बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, है ना. जितना ज्यादा बॉन्डिंग, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उनको तोड़ने के लिए. इसका मतलब क्या होगा? जितनी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग होने की. ठीक है, चलो दो तीन एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज H2 की बात करें, H2 में क्या होता है? H सिंगल बॉन्ड H, इसको अगर आपको ब्रेक करना है तो क्या होगा? H2 gaseous gives H gaseous plus दूसरा क्या देगा आपको? दो मॉलिक्यूल को क्या देगा? H2. तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है? कुछ 431 अराउंड होती है. कितनी होती है हमारे पास? सॉरी 435.8, और यूनिट इसका होता है किलो जूल पर मोल. ठीक है, दूसरे एटम ले इसको, दूसरा ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन में सी कितने हैं? दो बॉन्ड होते हैं, दो बॉन्ड होते हैं ना ऑक्सीजन में, क्या होता है? ओ डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, तो इसकी देखो, सॉरी ये भी गैसियस है, गैसियस प्लस ऑक्सीजन गैसियस, डेल्टा एच किसकी होगी? कितनी होगी इसकी? इसके कुछ होते हैं 498 किलो जूल मॉलिक्यूल्स. देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड था एनर्जी कम थी, डबल बॉन्ड में एनर्जी ज्यादा. इसका रिलेशन अभी इसके बाद जो कल जो थर्ड हम सीखेंगे ना उसमें आएगा, तब देखेंगे. फिर आएगा N2 में क्या होगा? N ट्रिपल बॉन्ड है. ठीक है, तो उसको अगर आपको तोड़ना है तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कितनी है? उसकी एंथैल्पी कुछ है आपकी 946 किलो जूल पर मोल. ठीक है, तो ये देखो इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज होती जा रही है. तो ये इसका बॉन्ड के साथ कुछ रिलेशन है वो हम अभी
नहीं समझना है, उसके बाद में आएगा, लेकिन ये याद रखना है कि इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो बोन एंथैल्पी हमें क्या पता चल रहा है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल है, ये उसका थोड़े वीक, ये उससे थोड़ा और वीक, मतलब ये सबसे जल्दी टूट जाएगा, इसको तोड़ने में और एनर्जी लगेगी और इसको तोड़ने में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, अभी सपोज ये तो सारे क्या हो गए, होमो होमो आइटम, होमो आइटम यानी कि दोनों सेम आइटम, अब हेटेरो एटॉमिक ले लिया तो हमने हेटेरो न्यूक्लियर मतलब अलग अलग आइटम, सपोज मैंने HCl ले लिया, HCl ठीक है, तो उसको तोड़ो H प्लस Cl, तो इसकी जो बॉन्ड हमारी जो एंथैल्पी है वो कैसी है, 431 किलो जूल मोल इनवर्स। ठीक है, HCl हेटेरो ले लिया हमने, अभी ये सारी कैसी है जिसमें दो ही मॉलिक्यूल है, मतलब दोनों को ही ब्रेक करना है, ये पहले हेटेरो के आगे क्या बात करें, ये दो मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, हम क्या ले लेंगे, पॉलीन्यूक्लियर मतलब दो से ज्यादा एटम्स जिसमें हो। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर अगर हम ले, पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स जैसे कि H2O हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीन दो इस तरह से दो बार बॉन्ड ब्रेक कर ले, तो आप सभी सिंपल है मैडम, OH को ब्रेक करने की जो एंथैल्पी है वो मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसकी टोटल एंथैल्पी 9, ये नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है पता है, जब आप पहला OH बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो तो एनर्जी कुछ अलग है, उसके बाद दूसरा बॉन्ड अलग कर रहे हो तो एनर्जी कुछ अलग, पहला आ गया फर्स्ट OH की बात कर ब्रेकिंग की तो क्या होगा, उसकी एंथैल्पी हमारी कुछ हो रही है 502 किलो जूल मोल इनवर्स, और अगर सेकेंड OH को, ये पहला OH निकल गया, अब ये दूसरा बचा, सेकेंड OH ग्रुप को अगर आपको तोड़ना है तो उसकी होती है 427 किलो जूल मोल इनवर्स, ये दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस की वजह से बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसके आजू बाजू का एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसके पास, दो लोन पे, लेकिन एक बार एक निकल गया वैसे हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया, तो दोनों के एनवायरमेंट में फर्क है। ठीक है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन जो है उसमें फर्क है, तो उसकी वजह से एंथैल्पी में थोड़ा बहुत चेंज वेरिएशन रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आप अगर H2O का OH बॉन्ड लो, ठीक है, और C2H5OH जो कि एक अल्कोहल है उसके OH बॉन्ड की बात करो, तो इसमें OH बॉन्ड का हमारा बॉन्ड एंथैल्पी अलग होगा और इसमें OH बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी अलग होगा, साथ ही बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगी। ठीक है, क्योंकि एनवायरमेंट में लगे इसके पास बाहर में सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पे C2H5 पूरा इथेन एक्स्ट्रा है, एनवायरमेंट चेंज होगा तो बॉन्ड एंथैल्पी चेंज होगी, तो जब इस तरह से होता है आपका पॉलीन्यूक्लियर यानी कि दो से ज्यादा आइटम्स होते हैं मॉलिक्यूल में, तो आप क्या करते हो, जितने भी बॉन्ड एंथैल्पीज है सबकी पहले सिंगल दो दो की बॉन्ड एंथैल्पी निकाल के फिर उसका एवरेज ले लेते हैं, एवरेज या मीन, एवरेज और मीन बॉन्ड एंथैल्पी हम ले लेते हैं, एंथैल्पी यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी ले लेते हैं जो कि क्या होगा, दोनों का प्लस, दोनों एंथैल्पी का प्लस डिवाइड बाय 2, अगर तीन होने के तीन एटम्स होते हैं, अब तीन बॉन्ड होते हैं, सपोज ऐसा होता NH3 तो क्या करते, NH के तीन अलग अलग आपको एंथैल्पी मिलते हैं, तो तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3, तो 3 इसमें 2 है तो दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय 2, तो आपको कितना मिलेगा, कुछ 464
0.5 kJ mol inverse. तो ये क्या हो गई एवरेज आइदर मीन बोन एंथैल्पी। ठीक है, बस इतना याद रखने की जितनी ज्यादा बोन एंथैल्पी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, यानी कि ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ये स्टेबल है। सीधी सी बात है, H2O में जब ये अभी पूरा स्टेबल है तो इसको ब्रेक करना हार्ड हो जाएगा। इसको एक ब्रेक कर दिया यहाँ पे, मैंने ऐसा क्या कर ये थोड़ी सी इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई, तो फिर उसको तोड़ना तो ईजी हो गया, है ना। ये भी लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका बोन एंथैल्पी। होमवर्क में याद रखोगे बच्चों, जो करवाया है वो 2 times लिखोगे। ठीक है, अभी वो जो मैंने बोन की बताया थी 2 bond, 1 bond, 2 bond, 3 bond उसके बारे में अब हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, जिसको जिसका नाम है बोन ऑर्डर, जिसके बारे में नाम है बोन ऑर्डर, और एक लास्ट क्रम, उसके बाद एक क्रम जो हमारे पास वो है रेजोनेंस।